सीधी में हुई घटना के बाद से सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वैसे तो सिंधिया के और भी ऐसे मंत्री हैं जो अपने काम को लेकर एक्टिव हैं, पर अब मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2021 से पहले शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महिला स्वसहायता समूहों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सागर जिले के राहतगढ़ तहसील में महिला स्वसहायता समूह को संबोधित करते हुए सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि महिला स्वसहायता समूहों को गौशाला संचालन का काम सौंपा जाएगा। हमारे समाज में महिलाओं को गृह लक्ष्मी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि वे जिस काम को करती हैं उसमें फायदा निश्चित होता है। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भर होगा। मंत्री राजपूत ने कहा कि पहले महिलाएँ घर के काम ही करती थी, सरकार ने सोचा कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी ऐसा काम दिया जाए जो वे घर बैठकर अन्य कामों के साथ कर सकें।